हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक चाचरा और आपको दिखाने वाला हूं AVCS स्टूडियो अकाउंटेंट के फीचर्स एंड ओवरव्यू। सबसे पहले हम स्टूडियो अकाउंटेंट को ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडियो अकाउंटेंट ओपन होते ही आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है, तो वो लॉगिन आईडी हम ओके करने के बाद सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ये मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में एक बता रहा हूँ कि किस तरह से सारे के सारे फीचर्स काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर डिटेल्स, और कस्टमर डिटेल्स में जाने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कस्टमर का नाम फीड कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर है, डीलर है या फोटोग्राफर है वो फीड कर सकता हूँ, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी फीड कर सकता हूँ, और इसमें काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टूडियो ऑर्डर टाइप। अगर आप अपने आइटम्स फीड करना चाहते हैं तो अपने आइटम्स फीड कर सकते हैं स्टूडियो ऑर्डर टाइप के अंदर, जो स्टूडियो की आइटम्स जो होती हैं। उसके बाद आते हैं हम एक्सपर्ट कैटेगरी में, जो आप इवेंट्स पे काम करते हैं उसकी आइटम्स फीड कर सकते हैं विद प्राइस। तो ये टैब हमने इसलिए रखा है जिसमें हम एक्सपर्ट कैटेगरी में अपने इवेंट्स की आइटम फीड कर सकते हैं। एक्सपर्ट डिटेल्स में जो भी हम फोटोग्राफर से काम कराते हैं, तो जितने फोटोग्राफर की डिटेल्स हैं आपके पास वो सब फीड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कैमरा है, चाहे स्टिल कैमरे वाला है। किसी को कोटेशन बना के देनी है तो आप कोटेशन बना के दे सकते हैं, उसमें आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को चूज़ कर सकते हैं, और कोटेशंस को सेव करके प्रोफेशनल वे में PDF कोटेशंस कस्टमर को बना के दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र की, हम अगर अपने एम्प्लॉय को यूज़र बना के देना है कि उसको क्या क्या राइट्स देने हैं यूज़ करने के लिए, तो वो दे सकते हैं। जैसे कि वो क्या चीज़ खोल पाए, क्या ना खोल पाए, SMS भेज पाए कि ना भेज पाए, तो आप अपने ऑप्शंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रोसेस बना सकते हैं, कितने प्रोसेस आपके यहाँ है, डिज़ाइनिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, बाइंडिंग होती है, तो अलग अलग प्रोसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ SMS भी ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस मास्टर हैं, कितने लोग किस किस रेफरेंस से आपके पास आते हैं वो सारे रेफरेंसेस फीड कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली किसी आदमी का भी कोई रेफरेंस बनाना है आपने तो वो भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस मास्टर है। उसके बाद SMS मास्टर है, जिसके अंदर हम अपने SMS बना के फीड कर सकते हैं, जितने भी SMS हमें कस्टमर को भेजने होते हैं ऑफर्स के साथ या बर्थडे विशेज, तो सब कुछ हम इसमें फीड कर सकते हैं। अब इवेंट बुकिंग के अंदर हमें कोई फंक्शन बुक करना है, तो यहाँ पे देखिए पूरा फंक्शन दिखेगा हमें, और मैंने ओके पे क्लिक किया। देखिए अभी मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर नंबर 1 से हमेशा स्टार्ट होगा आपका, और कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी, उसका इवेंट डेट, टाइम, उसके पर्पस, क्या क्या उसको आइटम्स चाहिए, कितनी आइटम्स चाहिए, सब कुछ इसमें फीड कर सकते हैं। और अब आप देखें इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि अभी प्रोसेस जो है आपका कोई ऐड नहीं किया हुआ आपने, तो जैसे आप इसमें सॉफ्टवेयर को पूरा फिलअप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टूडियो बुकिंग पे जाते हैं। स्टूडियो बुकिंग में भी हम नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, वो भी सेम फीचर है जिसके अंदर आप स्टूडियो के अंदर जो भी काम करना है वो आप बुकिंग कर सकते हैं, कस्टमर का पूरा इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एनिवर्सरी डेट, उसने क्या क्या आपसे काम करवाया, अगर फ़ोटो खिंचवाई, उसका कितना पेमेंट हुआ, कितना एडवांस दिया, टोटल इसमें आप बुकिंग चेक कर सकते हैं। आप अगर किसी फोटोग्राफर को बुक करते हैं तो वो एक्सपर्ट बुकिंग में आप बुक कर सकते हैं, जब आप इवेंट बुकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बुकिंग आ जाएगा। रिसिप्ट के अंदर जितने लोगों से आपने पेमेंट लेना है वो ले सकते हैं, पेमेंट में आप पेमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितने लोगों को आपने पेमेंट देना है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अंदर। रिपोर्ट्स में आप एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कितना काम स्टूडियो में कर चुके हैं, कितने आपने लोगों को पेमेंट्स दे दिए हैं, किस डेट से किस डेट तक का आपने कितने लोगों को काम किया, कितने लोगों से बैलेंस लेना है आपने, कितने फोटोग्राफर्स फंक्शन के लिए बुक कराए हुए हैं, एक एक चीज़ इसमें फीड कर सकते हैं। सेटिंग्स में ये सारे फीचर्स होते हैं कि आपने क्या करेंसी रखनी है, आपने डाटाबेस का बैकअप कहाँ पे रखना है, कौन सी ड्राइव में डाटाबेस का बैकअप रखना है, वो डाटाबेस का बैकअप चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी एक ड्राइव चूज़ कर लें और वहाँ पे एक फोल्डर चूज़ करके उसमें बैकअप दे दें। उसके बाद आप अगर कस्टमर से सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं तो वो सर्विस टैक्स का ऑप्शन फीड कर सकते हैं। और कंपनी इन्फो के अंदर आपको पूरा कंपनी का डिटेल मिलता है कि आप अपने पूरा कंपनी का इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये कंप्लीट ओवरव्यू है हमारे पूरे प्रोसेस का। उसके बाद हम प्रोसेस सेंड SMS में जाते हैं। सेंड SMS में कि हमारा कि किसी को बल्क SMS अगर हमें भेजना है तो यहाँ से हम कस्टमर की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कस्टमर को SMS भेजना है तो कस्टमर को भेज सकते हैं। और अगर मुझे किसी को बैलेंस पेंडिंग SMS भेजना है तो जितने लोगों से बैलेंस लेना है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो ये पूरा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, साथ में प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस में आप क्या क्या काम करते हैं वो सारे प्रोसेस इसमें फीड कर सकते हैं विद SMS। प्रोसेस कहाँ से कहाँ गया काम, डिज़ाइनिंग से प्रिंटिंग में गया, वहाँ से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, सारे प्रोसेस चेक कर सकते हैं, कस्टमर काम अभी कहाँ लगा हुआ है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। गेट योर की आईडी में जाके अगर हम अपना की आईडी चूज़ कर लें और जो भी हमारा की आईडी है उसको चूज़ करके अगर हम वहाँ पर डाल दें तो सॉफ्टवेयर हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी एंड सिंपल वे है अपना काम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्टूडियो अकाउंटेंट का करते हैं।
जिस तरीके से हमें अगर अपना बिजनेस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें स्टूडियो अकाउंटेंट, साथ में बैकअप भी रख सकते हैं, जो भी डाटाबेस हमारे पास है वो सब बैकअप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यह है स्टूडियो अकाउंटेंट का ओवरव्यू। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडियो अकाउंटेंट के फीचर्स वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।